मध्य प्रदेश के रीवा में सिविल लाइन पुलिस ने कबाड़ी मोहल्ले में दबिश देकर महिला के पास से 6 कार्टून डिब्बा जिसमें 738 सीसी नशीली कफ सिरप बरामद की है। आपको बता दें कि कबाड़ी मोहल्ले में कई दिनों से महिलाओं द्वारा नशे का कारोबार चलाया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कबाड़ी मोहल्ले में दबिश दी। यहां पर एक महिला के पास से कई नशीली कफ सिरप बरामद किया गया है। थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, कबाड़ी मोहल्ले में महिलाओं द्वारा नशे का कारोबार करने की सूचनाएं लगातार प्राप्त हो रही थी। जहां पर अचानक दबिश दी गई थी, वहीं कई महिलाओं का नाम नशीली कफ सिरप बेचने में सामने आ रहा था। आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपियों में से रोशनी लुनिया अपने घर के सामने नशीली कफ सिरप का कारोबार करती पकड़ी गई है। वहीं पकड़ी गई नशीली कफ सिरप की कीमत पुलिस ने लगभग 1,10,000 बताई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 422/22 धारा NDPS की कार्यवाही की है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि कबाड़ी मोहल्ले में कुछ महिलाएं नशीली कफ सिरप कोरेक्स बेचने का विक्रय का काम कर रही हैं। इस सूचना की तस्दीक के लिए सब इंस्पेक्टर सुकुनाल को निर्देशित किया गया था। टीम बनाकर उनके द्वारा दबिश दी गई। दबिश पर सूचना सही पाई गई। रोशनी लोनिया करके एक महिला है, वो विक्रय करते हुए मिली और पुलिस को देख करके वो तो निकल गई, लेकिन उसके पास से 6 पेटी लगभग 738 सीसी कोरेक्स की नशीली कफ सिरप मिली है, जिस पर NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और महिला को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया गया है। कार्रवाई अभी जारी है। लगातार महिलाएं लगातार, हाँ यह सही है। अभी जो देखने में आया है, चूँकि इन्हें कुछ ऐसा लगता होगा कि महिलाओं पर कार्रवाई थोड़ा सा लिबरल हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हमने लगातार 15 दिन के अंदर रानी लोनिया को, गुड्डी लोनिया को और रोशनी लोनिया को और एक और महिला है रचनिया, जो फरार हो गई थी रानी लोनिया के साथ की अभियुक्त थी, उसको गिरफ्तार किया है। 4 महिलाओं को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। अभी लगातार सूचनाएं आ रही हैं, कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।